गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो टीनेजर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ब्यूटी टिप्स जो कि टीनेजर्स के लिए है। क्योंकि मैं जब टीनेज में थी 2013 एंड 14 में, मतलब टाइम पे इंटरनेट बहुत, उससे पहले इंटरनेट बहुत ही महंगा था। अब तो हर चीज अफोर्डेबल है एंड इजीली अवेलेबल है। तो चलिए देखते हैं कि ब्यूटी टिप्स क्या क्या है। एंड आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को हिट करो ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जब मैं टीनेज में थी तो स्किन केयर रूटीन होता है या फिर ऐसे ऐसे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, ऐसे कुछ अता पता कुछ भी नहीं पता था। जैसे मैंने पहले ही बता दिया था कि तब इंटरनेट नहीं देखते थे, कोई भी नहीं देखता था इतना ज्यादा, मतलब यूट्यूब वगैरह, इंटरनेट अफोर्डेबल नहीं था। तो अभी जब, मतलब जब मैं टीनेज में थी तो मैं सोप ही यूज करती थी फेस पे, जो बॉडी के लिए यूज करते थे, क्योंकि ऐसे नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत ही गलत है। क्योंकि जो फेस का जो स्किन रहता है वो बहुत ही सेंसिटिव रहता है, आपके स्किन टाइप जो भी, लाइक स्किन टाइप को जो सूट करता है वही क्लेंजर यूज करिए, वही फेस वॉश यूज करिए। अगर कुछ सोप ही यूज करना है तो मैं रेकमेंड करूंगी कि डव सोप बहुत ही बेस्ट है, या फिर जॉनसन्स बेबी सोप। वो स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है, लाइक बिल्कुल ड्राई नहीं करता है। हो सके तो आप सोप अवॉइड कर सकते हो। हफ्ते में एक बार स्किन को एक्सफोलिएट करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि फेस पे जो भी ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स रहते हैं उसे रिमूव करने में हेल्प करता है। आपके स्किन टाइप पे जो भी सूट करता है वही फेस स्क्रब यूज करिए। अगर आपको फेस स्क्रब यूज नहीं करना है, घर पे भी आप बना सकते हो बहुत ही इजिली। आपको बस चाहिए शुगर एंड उसके साथ आप ऐड कर सकते हो कॉफी एंड कोकोनट ऑयल। इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके आपको फेस पे रब करना है। 2 से 3 मिनट तक रब करके आप पानी से वॉश कर सकते हो। दैट्स इट। स्किन को हाइड्रेट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर मॉइस्चराइज नहीं करोगे, हाइड्रेट नहीं रखोगे स्किन को, तो स्किन ड्राई हो जाती है। विंटर सीजन भी आ रहा है, तो आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में विंटर स्किन केयर रूटीन मैं अपलोड कर दूंगी जल्दी। तो स्किन को दो दो बार, एटलीस्ट 2 बार तो आपको मॉइस्चराइज करना पड़ेगा। लाइट वेट या फिर ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो। हार्मोनल चेंजेस की वजह से टीनेज में बहुत पिंपल्स हो जाती है, स्पेशली जब पीरियड्स के टाइम पे, अभी भी होती है लेकिन उस टाइम ज्यादा हो जाती है। तो उस टाइम पे आपको बहुत, बहुत केयर करना पड़ता है स्किन का, क्योंकि आपको पिंपल्स को टच नहीं करना चाहिए। पिंपल्स को रिमूव करने के लिए आप DIY भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक DIY। तो DIY बनाने के लिए आपको चाहिए बस हल्दी एंड थोड़ा सा हल्दी लेना है, उसमें ऐड करना है हनी। इसे पिंपल के ऊपर अप्लाई करके 5 मिनट तक रखना है, देन वॉश करना है। इंस्टेंट रिजल्ट तो नहीं मिलेगा, लेकिन रेगुलरली अप्लाई करते रहिए ताकि इसे डार्क स्पॉट्स भी नहीं हो जाते पिंपल रिमूव होने के बाद। 365 डेज आपको सनस्क्रीन यूज करना ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करने में हेल्प करता है। जब भी आप बाहर जाते हो तो सनस्क्रीन अप्लाई करिए, इसे सन टैनिंग से आप बच सकते हो। बाद में DIY यूज करके क्या ही फायदा, बहुत टाइम लगता है टैन को रिमूव करने के लिए। इससे अच्छा आप डेली सनस्क्रीन अप्लाई करिए। जितना ज्यादा हम फेस का केयर करते हैं उसके साथ हमें लिप्स का भी केयर करना पड़ता है, क्योंकि लिप्स को भी हाइड्रेट रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है।
तो रेगुलरली लिप बाम यूज करिए लिप्स को हाइड्रेट रखने के लिए। टीनेज में क्या होता है, स्किन केयर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो उस टाइम पे मैं मानती हूँ कि हैवी मेकअप करना बिल्कुल अवॉइड करिए। मैंने तो मेकअप किया भी नहीं था उस टाइम पे, तो अभी कर रही हूँ। तो आपको बिल्कुल मेकअप आपकी मर्जी है, मैं सजेस्ट करूंगी मत करिए। अगर आपको मेकअप करना ही है तो मिनिमल मेकअप आप ट्राई कर सकते हो, लाइक फाउंडेशन के बदले आप बीबी क्रीम यूज करिए, लिप बाम यूज करिए, लिप ग्लॉस यूज करिए। जस्ट थोड़ा थोड़ा लाइक मिनिमल प्रोडक्ट ही यूज करिए, ज्यादा हाइलाइटर ब्लश ये वो यूज करना कोई जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने शेयर किया है मिनिमल मेकअप ट्यूटोरियल, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, मेकअप किया भी किया, कम हो या फिर ज्यादा हो, आपको उसे अच्छे से रिमूव करना है बिफोर गोइंग टू बेड। क्योंकि अगर आप मेकअप को ऐसे रख के सोओगे तो उससे ही पिंपल्स हो जाती है, बहुत ही स्किन में प्रॉब्लम्स हो जाती है। जब भी आप सोते हो, सोने से पहले अगर आपने मेकअप किया है तो सोने से पहले आपको अच्छे से रिमूव करना है। इसके लिए आपको बिल्कुल भी रिमूवर परचेस मतलब मेकअप रिमूवर परचेस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप कोकोनट ऑयल से रिमूव कर सकते हो। मैं हर टाइम यही ट्रिक यूज करती हूँ, लाइक हैक यूज करती हूँ। आज के वीडियो में इतना ही था गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए एंड अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिल्कुल शेयर करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।